नमस्कार, मैं ज्योति पंतोर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं पहाड़ी फल काफल की। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की अनुपम और अद्वितीय नजारे काफी लोकप्रिय रहे हैं। उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य पर चार चांद लगा देते हैं यहाँ के वन। उत्तराखंड के हरे भरे वन, स्वच्छ हवा तथा स्वच्छ जल के साथ ही स्वादिष्ट फलों का उपहार भी जनमानस को देते रहे हैं। जब यह वन बुरांस के फूलों तथा लदगद भरे काफलों के साथ भरे रहते हैं तो यह नजारा काफी नैसर्गिक होता है। अभी इस समय काफल पककर तैयार हो चुके हैं और उसकी मिठास हमेशा से ही दूर दूर तक पहुंचती रही है, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते यह मिठास थोड़ी फीकी पड़ी है। हर्ष यह है कि काफल इस बार आम जनमानस को भी चखने को नहीं मिले हैं। यह काफी औषधीय है और गुणकारी है। आखिर किस तरीके से काफल एक औषधीय गुणों का फल है, इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट से। उत्तराखंड हमेशा ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं यहाँ के वन। खूबसूरत जंगलों का श्रृंगार प्रकृति के उपहार से होता है, फिर चाहे वो वनों की शोभा बढ़ाता भुरांस हो या फिर पेड़ों पर लदगद होकर अपनी लालिमा बिखेरता हिमालयी फल काफल, जो कि 3000 से 6000 फीट की ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है और इन दिनों पककर सभी लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। हर कोई इसका स्वाद लेने के लिए तैयार रहता है। चैत वैशाख महीने से तैयार होने वाले फल काफल इस समय पककर बड़े पैमाने पर अनेक परिवारों और लोगों के रोजगार का साधन बना रहता है, क्योंकि इस समय पर्यटन व्यवसाय भी चरम सीमा पर होता है। जंगलों की शान और शोभा बढ़ाने वाला यह फल काफल विशुद्ध रूप से एक जंगली फल है। इसकी विशेषता है कि इसका पौधा अपने बीज से नहीं पक्षियों के बीज से तैयार होता है। काफल की महत्ता का गुणगान लोकगीतों में भी मिलता है। काफल का वनस्पतिक नाम मैरिका एस्कुलेंटा है और इसका आयुर्वेदिक नाम कायफल है, जो कि छायादार और ठंडी जगहों में पाया जाता है। काफल के पौधे का परागण प्रकृति ने पक्षियों को सौंपा है, इसीलिए इसके बीज से पौधा अंकुरित नहीं होता। काफल की गुठली पर एक लाल रंग की बाहरी परत होती है और इसी परत को खाया जाता है, जो कि फल कहलाता है। काफल के वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इसकी गुठली से पूरा वृक्ष ही औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसे यदि औषधीय वृक्ष भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। काफल के पेड़ों पर फरवरी मार्च से फल आने शुरू हो जाते हैं। मई तक इसके दाने पककर लाल हो जाते हैं और मई जून तक काफल के वृक्षों पर काफल से लदगद हो जाते हैं। मौसम का विपरीत प्रभाव और वनों में बढ़ते दावानल की घटनाएं भी काफल के उत्पादन पर काफी हद तक निर्भर होती हैं। आयुर्वेद में काफल को मेडिसिनल प्लांट का स्थान मिला हुआ है, क्योंकि काफल का पूरा वृक्ष ही औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके पेड़ की छाल में माइरिस्टिन, माइस्ट्रिन, ग्लाइकोसाइड जैसे औषधीय तत्व पाए जाते हैं। इसकी छाल से दातुन और इसके गुठली चूर्ण व तेल बनाने के काम आती है। काफल भूख की अचूक दवा और मधुमेह रोग के लिए भी कारगर रहता है। काफल के संबंध में उत्तराखंड में एक लोक कथा भी मशहूर है। माना जाता है कि एक घनघोर जंगल के बीच में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के पास के गांव में एक औरत अपने इकलौते बेटे के साथ घर पर रहती थी। महिला बहुत गरीब थी और कई दिनों तक अनेक बार उसे बिना खाए दिन रात बिताने पड़ते। ऐसी विषम परिस्थितियों में माँ बेटे के पेट का सहारा केवल जंगली फल ही हुआ करते थे। एक बार महिला जंगल से काफल तोड़कर ले आई और काफलों से भरी टोकरी बेटे के सामने रखकर कहा कि बेटा इनकी हिफाजत करना, और महिला खेतों में काम करने के लिए चली गई। और जब महिला खेतों से लौटी तो उसे टोकरी में काफल कम दिखे, क्योंकि धूप के कारण टोकरी में रखे काफल सूख चुके थे। उस महिला को लगा कि बेटे ने काफल खा लिए हैं, तो उसने क्रोध में आकर एक बड़ा सा पत्थर फेंका जो बच्चे के सर पर लग गया और बच्चा वहीं पर मर गया। काफल की टोकरी बाहर पड़ी रह गई। दूसरे दिन बारिश हुई तो टोकरी में काफल भीग कर फूल गए और टोकरी पहले की तरह काफलों से भर गई। जब महिला ने यह देखा तो वह अचंभित रह गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जीवन भर पश्चाताप करती रही। माना जाता है कि वह बच्चा, जिसका मन पवित्र था, आज भी घुघुती पक्षी के रूप में आता है और आवाज लगाता है। काफल पाको मिल नीचा को,
अर्थात काफल तो पक गया और मैंने चखा नहीं। आज वनों के अत्यधिक दोहन से बहुत गुणकारी वृक्ष काफल की संख्या घटती जा रही है। अनेक स्थानों में काफल को कायफल के नाम से जाना जाता है। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना ने काफल की मिठास और उसके रोजगार को अवश्य ही फीका किया है, किंतु जल्द ही यह संकट टल जाएगा और भविष्य में फिर से गुणकारी काफल की मिठास दूर दूर तक पहुंच जाएगी। इस बार कोरोना महामारी के चलते भले ही काफल की मिठास फीकी पड़ी हो तथा इससे होने वाले रोजगार पर भी असर पड़ा हो, लेकिन आशा करते हैं कि इस संकट से निपट कर हम अगले वर्ष जरूर काफल की मिठास को दूर तक पहुंचा पाएंगे। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योति पंत की यह रिपोर्ट। स्टे होम स्टे हेल्दी शुड इन पब्लिक सेफ्टी बाय हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ।